अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज जो मैं आप लोगों के लिए लुक लेकर आई हूँ, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कट क्रीज लुक है। बहुत ही सॉफ्ट कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये लुक क्रिएट किया है। आप लोग इसको पार्टी मेकअप के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। टीनेजर्स के लिए भी ये लुक बेस्ट है। बहुत ही यूनिक सा लुक है। वीडियो को आप लोगों ने पूरा वॉच करना है, एंड तक देखना है, स्किप ना किया करें वीडियो को। तो चले जी, टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं हम लोग अपने मेकअप की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि एज यूजुअल हमने आई बेस वगैरह सेट की हुई है। तो बहुत ही डल ब्राउन से शेड है, इसको मैंने लिया है विद द हेल्प ऑफ ब्रश। क्रीज लाइन पे अप्लाई किया है। एप्लीकेशन के बाद इसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद जो हम सेकंड शेड लेंगे वो मीडियम ब्राउन शेड है। पहले बिल्कुल लाइट था, उसके बाद हमने मीडियम ब्राउन शेड लिया है। इसको सेम शेड के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। इस तरह से जो है कलर जो है बहुत ही प्यारे आइस पे जो मेकअप के वो नज़र आएंगे आपको। उसके बाद हमने शेड को डार्क करना है, तो हमने जो है थर्ड शेड डार्क ब्राउन ली है। लाइट से हम जो है डार्क की तरफ जा रहे हैं। ब्राउन शेड को हमने आईलिड के एंड पे अप्लाई करना है, क्रीज लाइन के नीचे। एप्लीकेशन के बाद अच्छी तरह से इसको हमने मीडियम ब्राउन शेड के साथ भी ब्लेंड करना है जी। उसके बाद हमने जो शेड ली है वो है ब्लैक शेड। तो ब्लैक शेड को हमने सेम डार्क ब्राउन शेड के ऊपर अप्लाई करना है और हल्के से इसको भी ब्लेंड करना है, ताकि हमारी जो है आईज यहाँ से थोड़ी सी डीप नज़र आए। आईज को थोड़ा सा हमने यहाँ पर डार्क करना है। उसके बाद जी हमने लिया है स्किन कलर, इसको हमने अप्लाई करना है हाफ आईलिड पे, इनर कॉर्नर वाली साइड पे। आउटर वी पे हमने इसको अप्लाई नहीं करना है, इनर वी पे और आईलिड पे हमने इसको अप्लाई करना है। अच्छी तरह से क्रीज शेप में अप्लाई करना है, ताकि हमारी जो हमने इनर जो वी है इसको बिल्कुल ही लाइट रखना है। यहाँ पे कोई भी शेड अप्लाई नहीं करनी है। उसके बाद इनर कॉर्नर में हमने डल गोल्डन शेड को अप्लाई किया है जी। लोअर लाइन पे हम डार्क ब्राउन शेड जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं। अच्छी तरह से इसको अप्लाई करना है। ब्लैक शेड हमने लोअर लाइन पर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद जी अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वो है आईलाइनर का। आईलाइनर हम अप्लाई करेंगे विंग शेप में। आईलाइनर लगाने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप लोग पहले थोड़ा रफली इसका जो है आप इसको जस्ट ड्रा कर लिया करें लाइन को, उसके बाद इसको नीच किया करें, डार्क किया करें, तो आईलाइनर बहुत ही अच्छा और खूबसूरत नज़र आता है। जैसे मैंने आप लोग देख सकते हैं ड्रा किया है, उसके बाद इसको फिल कर रही हूँ और नीच कर रही हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत जो है शेप बना है आईलाइनर का। विंग शेप हमने अप्लाई किया है। उसके बाद जी आईलैशेस को करना है मस्कारा। एज यूजुअल आर्टिफिशियल आईलैशेस अप्लाई करने से पहले मस्कारा अच्छी तरह से अप्लाई करना है, ताकि हमारी नेचुरल लैशेस जो है आर्टिफिशियल लैशेस के नीचे से नज़र नहीं आए। तो लोअर लैशेस पे मस्कारा करना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टेप को हम मिस कर ही नहीं सकते। उसके बाद जी हमने अब क्रीज क्रिएट करनी है गोल्डन आईलाइनर के साथ। बहुत ही इजी है। आप लोगों ने जस्ट आईलिड के एंड से ले के आप लोगों ने जस्ट एक लाइन ड्रा करनी है, तो आपकी क्रीज जो है वो बन जाएगी। तो लुक हो गया जी हमारा कंप्लीट। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर देना है कि मेकअप आप लोगों को कैसा लगा। बहुत ही सॉफ्ट सा लुक था। इसके साथ साथ आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। फेवरेट लुक क्रिएट करवाने के लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो जी एज यूजुअल आप लोगों ने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो इसके साथ साथ जी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।